पूरे प्रदेश की भांति जनपद मैनपुरी में भी ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आज 10 जुलाई को 6 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें नव निर्वाचित बने ब्लॉक प्रमुखों के खेमे में खुशी की लहर छाई हुई है। जीते हुए प्रत्याशियों के घरों पर उनके समर्थकों ने ढोल तमाशा और नृत्य कर खुशी जाहिर करते हुए जीते हुए प्रत्याशियों को हार्दिक बधाइयां देते हुए फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया है। आपको बता दें, नामांकन के दिन मैनपुरी जनपद के विकास खंड बरनाहल में समाजवादी पार्टी के नीरज यादव मैनपुरी ब्लॉक से ऋतु भदौरिया एवं ब्लॉक घिरौर से सत्यपाल की पत्नी निर्विरोध चुनी गई, तो वहीं जनपद के ब्लॉक सुल्तानगंज ब्लॉक में निर्दलीय कश्मीर सिंह राजपूत की पत्नी अस्मिता राजपूत दो मतों से जीत हासिल की है। ब्लॉक करहल निर्दलीय प्रत्याशी मीनाक्षी यादव विजय हुई है। ब्लॉक जागीर प्रमुख का चुनाव महेश चौहान ने 24 वोटों से जीते। कुरावली ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संगीता यादव ने 7 मतों से जीत हासिल की है। विकासखंड बेबर से भाजपा व भलू चौहान के प्रत्याशी सत्येंद्र विजय 55 पाकर अपने प्रति दिन प्रमोद को 30 वोटों से पराजित किया है। जीते हुए प्रत्याशियों को जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने प्रमाण पत्र देकर विकास कार्यों को लेकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आइए देखते हैं सुल्तानगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कश्मीर सिंह राजपूत और जागीर के ब्लॉक प्रमुख मुकनेश सिंह चौहान क्या कहते हैं। जनपद मैनपुरी से अनिल साकी की रिपोर्ट। आज यहां पर जो ना ब्लॉक प्रमुख पद के लिए जो ना चुनाव था जी, आपकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरी थी, कितने मतों से जीती हैं? 2 मतों। इसका श्रेय किसको जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को और प्लस कार्यकर्ताओं को। हमारी जनता जो जुड़ी हुई है, जनता ने पूरा सहयोग किया, पार्टी का भी पूरा सहयोग। क्या कहेंगे जनता के लिए? जनता का तो सब कुछ है, जनता के लिए तो मैं आभारी रहेंगे, पूरा रेडी रहेंगे। आगामी आने वाली जो ना ब्लॉक प्रमुख निधि का किस तरह से आप प्रयोग करेंगे? वो तो गांव-गांव के लिए विकास कराने के लिए जितना भी हो सकता है ये पूरा विकास कराने के। मंत्री जी मेरे साथ हम जाना जा रहा हूँ। वोट बहुमत है क्या आपके पास? वोट बहुमत 40 बीडीसी है। कुल कितने सदस्य हैं? 58 बीडीसी है और 40 मेरे साथ। अरे आप लोग आओ, आप लोग आओ पहले, इन्हें अंदर पहले। कितने बजे तक वोटिंग होना? हमारी वोटिंग 1 बजे तक हो जाएगी। सब लोगों को वापस कर देंगे, हम एजेंट रहेंगे वहाँ पर। विकास कार्य कराने की क्या रणनीति है? विकास ही विकास कराना है क्षेत्र में। मैंने देखो जिला पंचायत भी जीती है, उससे भी कराएंगे और ब्लॉक भी जीत कराएंगे। अच्छा, आप अगर ये जीत कर आते हैं क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी आपकी? विकास कराएंगे, यही प्राथमिकता है।